Assalamu alaikum, dear students. Today on 21st August 2020, class 9th, subject General English. हमारा जो आज का टॉपिक है वो है relative clause. Relative clause. तो पहले clause क्या होता है? Clause a part of sentence. Clause is a part of sentence. ये sentence का एक part का एक हिस्सा होता है. A relative clause tells us, which person or thing or what kind of person or thing the speaker means. The speaker means, यानी relative clause हमें यह बताता है कि which person or thing, कौन सा शख्स और कौन सी चीज, और what kind of person या किस तरह का शख्स या किस तरह का चीज, the speaker means, he means. He tells about, for example, the woman who lives next door is a teacher. The woman who lives next door is a teacher. The woman who lives next door is a teacher. यानी who lives next door tells us which woman. यानी ये जो part है ये ना बताता है कि कौन सी औरत यानी जो teacher है, यानी कौन सी औरत teacher है, यानी who is living next door. We use who in a relative clause when we are talking about people. यानी who सिर्फ हम तब इस्तेमाल कर सकते हैं जब हम लोगों के बारे में बातें करेंगे या लोगों के बारे में कहेंगे, तो तब हम who इस्तेमाल करेंगे. न कि अगर चीजों के बारे में हमें बात करना हो तो हम who का इस्तेमाल नहीं कर सकते. We use who instead of. तो who जो है वो हम इन चीजों के ये जो चीजें हैं बदले इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे ही हैं, शी हैं, दे हैं, इट है, ये जो सब्जेक्ट हैं, तो इनके बदले हम क्या हु इस्तेमाल कर सकते हैं. जैसे कि यहाँ पे द वुमन शी लिव नेक्स्ट डोर इज अ टीचर, तो यहाँ पे शी के बदले हमने क्या किया, हु लगाया. द वुमन हु लिव्स नेक्स्ट डोर इज अ टीचर, शी के बदले हमने हु लगाया. तो इसी तरह we can also use that instead of who. तो who के बदले हम that भी इस्तेमाल कर सकते हैं. The woman that lives next door is very friendly. The woman that, अगर हम who भी लिखेंगे, the woman who lives next door is very friendly, ये भी correct है. अगर हम लिखेंगे the man that lives next door is very friendly, ठीक है. तो इसी तरह है, when the noun or pronoun for which relative pronoun stand, when the noun or pronoun, jab noun ya pronoun for which relative pronoun stand is called antecedent. Stand before is called antecedent. So when the noun or pronoun for which relative pronoun stand is called antecedent. अब antecedent क्या होता है? Means something goes before, जो इनसे पहले आए, that is antecedent. When we are talking about things, जब हम चीजों के बारे में कहेंगे, बात करेंगे चीजों के बारे में, we use that or which. तो हम that या which इस्तेमाल कर सकते हैं. जैसे हमने देखा है कि persons के साथ हम who लगाते हैं और चीजों के साथ हम that या which इस्तेमाल कर सकते हैं, न कि who in relative clause. For example, where is the chocolate? It was in the fridge. तो हम लिख सकते हैं where is the chocolate, हम लिख सकते हैं that was in the fridge या which was in the fridge. Which was in the, अगर हम कहेंगे where is the chocolate, it was in the fridge, तो हम लिख सकते हैं where is the chocolate, that was in the fridge or which was in the fridge. अब हमारे पास कौन कौन से relative pronouns हैं? हमारे पास है who, हमारे पास है whom, whose, which, that, the what. ये जो है ये हमारे पास relative pronouns हैं. अब इनका इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है? जैसे आपने देखा है कि who का इस्तेमाल हम लोगों के साथ करते हैं, इंसानों के, whose जो है तो इसका भी इस्तेमाल हम इंस यानी पीपल के साथ ही करते हैं, लेकिन
हम कहते हैं जो अगर हम सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन की बात करें, होम ये भी है तो विच तो चीजों के बारे में इस्तेमाल करते हैं, डेयर भी चीजों के लिए, व्हाट व्हाट ये थिंग्स वगैरह के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो एक चीज याद रखना, वी यूज हु दैट विच इंस्टेड ऑफ ही शी दे इट, इसी तरह वी यूज वायर इन रिलेटिव क्लॉज इंस्टेड ऑफ हिज हर देयर। वायर हम इस्तेमाल कर सकते हैं तो वायर भी है, सॉरी वायर जो है ये हम इस्तेमाल कर सकते हैं किन चीज के बदले, हिज हर देयर, ठीक है। तो होम इज पॉसिबल इंस्टेड ऑफ होम, होम इज पॉसिबल इंस्टेड ऑफ हु व्हेन इट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इन द रिलेटिव क्लॉज, द वुमन होम आई वॉन्टेड टू सी वॉज अवे ऑन हॉलीडे, आई वॉन्टेड टू सी, ठीक है, मैं लिखा। तो इस तरह इसके एग्जाम्पल जो है बाकी से सारी चीजें हैं। तो फिलहाल ये है जो कि नाइन्थ का बेस का है, तो इस तरह हमने ये जो रिलेटिव क्लॉज है ये मैंने आपको बता दिए। तो इंशाल्लाह जो दूसरा लेक्चर होगा तो इसमें बाकी सारी चीज़ें मैं अपलोड करके भेज दूंगा। तो थैंक्स।